गुड मॉर्निंग बच्चों, एम ऑडिबल, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, आवाज आ रही है? तो बच्चों आज मॉक टेस्ट करेंगे केमिस्ट्री का, एमएसटी सीईटी 2021 के बच्चों के लिए। लेकिन उससे पहले देखो बच्चों, एक न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑफर है। इसमें बच्चों बेनिफिट्स, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखो, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, लाइव मेंटरिंग सेशंस होंगे बच्चों, फिजिकल नोट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ प्लस के सारे बेनिफिट्स भी बच्चों आपको इसमें मिलेंगे। और बच्चों इसमें आप आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो टीचर के साथ, ताकि आपका डाउट का आंसर आपको मिल सके बच्चों। ऑडियो कॉल का नया फीचर ऐड हुआ है। उसके बाद एक इमर्ज बैच है बच्चों, क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो जेई मेन और एडवांस 2023 में देने वाले हैं। 1 सितंबर से बच्चों ये वाला बैच लॉन्च होने वाला है, जिसमें अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। और ये जेई मेन 4th अटेम्प्ट का टेस्ट सीरीज है बच्चों। जेई मेन के पेपर लाइव होंगे अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पे, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलो तो अभी मॉक टेस्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस पे। तो ये रहा बच्चों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलो जल्दी जल्दी, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। बच्चों चलो करो जल्दी जल्दी करो बच्चों, बताओ कमेंट में आंसर करना है जल्दी जल्दी, क्या होगा आंसर कमेंट में आंसर करो। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चाहिए ये, ठीक है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है या रिएक्शन है? रिएक्शन ही होगा शायद, ठीक है चलो करो आंसर जल्दी जल्दी। किसी का कहना बी है, किसी का कहना सी है। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट क्या होगा? सी करेक्ट है बच्चों, डज नॉट चेंज, ठीक है मास चेंज नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी। चला फटाफट आंसर कराया है, काय असेल आंसर सांगा। येईल ना, द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मैसिव पार्टिकल विच वॉज प्रेडिक्टेड बाय रुदरफोर्ड टू अकाउंट फॉर द डिस्पैरिटी इन एटोमिक नंबर एंड एटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या है बच्चों? गायत्री ने कर दिया कमेंट, निकिता ने कर दिया कमेंट, चलो करो जल्दी जल्दी। संतोष का कहना है सी, साक्षी का कहना है डी, संतोष का कहना है सी। चलो बताओ जल्दी जल्दी करो आंसर। डी करेक्ट है बच्चों, न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है बच्चों, चलो करो जल्दी जल्दी। अकॉर्डिंग टू वी एस ई पी आर थियरी द शेप ऑफ ओ एफ टू मॉलिक्यूल इज, चलो बताओ जल्दी जल्दी। आएगा ना आंसर?
अकॉर्डिंग टू वी एस ई पी आर थेरी द शेप ऑफ ओ एफ टू मॉलिक्यूल इज। चलो चलो करो जल्दी जल्दी। सी इज द करेक्ट आंसर। बराबर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो करो जल्दी आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लीनियर शेप। किसका लीनियर शेप है बच्चों ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर शेप। चलो बताओ जल्दी जल्दी। आएगा ना कोई। ए कह रहा है गायत्री, निकिता, साक्षी, मयूर, संतोष, तानवी, तन्वी, सुनील। ए इज द करेक्ट आंसर। बराबर है। बी सी एल टू का लीनियर शेप होता है। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल इफ एच एन ओ थ्री चेंजेस इन टू एन टू ओ द ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज बाय। If HNO3 changes to N2O, the oxidation number is changed by। चलो करो आंसर जल्दी जल्दी। आएगा आंसर। चलो बताओ मयूर, नेहा, संतोष, तन्वी, सुनील, शुभम, गायत्री। चला पटापट पटापट आंसर करा। सांगा काय असेल आंसर। चलो करो जल्दी जल्दी। तन्वी डी मनता है, नेहा तहा डी मनता है, परशुराम डी मनता है। ओके डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव अमंग द गिवन अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है सॉरी मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अमंग द गिवन अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। चलो करो जल्दी जल्दी करो। बताओ क्या होगा आंसर। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अमंग द गिवन अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है बच्चों। मयूर का कहना डी है, तन्वी का कहना बी है, निकिता का कहना बी है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है बच्चों बेरियम। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉप टू बॉटम देखो आंसर आ जाएगा बच्चों। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। लाइटर गैसेज डिफ्यूज स्लोअर, फास्टर, सेम रेट, मॉडरेट है ना देन हेवियर गैसेस, वो हमें बताना है बच्चों। चलो करो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बी कहना है, डी कहना है। बी इज द करेक्ट आंसर। फास्टर ठीक है। लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेस। नेक्स्ट अगला सवाल। चलो करो आंसर जल्दी जल्दी बच्चों।
आएगा ना। चलो बताओ जल्दी जल्दी। यूसुफ, तन्वी, साक्षी, मयूर, संतोष, तहा, संतोष। 11:15 तक या 11:30 तक होगा नयन। चलो करो जल्दी जल्दी। सी करेक्ट है बच्चों। पेल एलो टू रेडिश पिंक। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। 2nd हायर होमोलॉग ऑफ मीथेन हैज अ मॉलिकुलर फॉर्मूला। चलो करो जल्दी आंसर। आएगा ना। यूसुफ, गायत्री, साक्षी, तहा, सोनू, संतोष, मयूर। 20 द करेक्ट आंसर। 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट करो। अभी क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से, है ना, तब गलती नहीं होगी। चलो करो आंसर। द कंबशन ऑफ अल्केन इज एन, कौन सा रिएक्शन है बच्चों? अल्केन का कंबशन कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एरोमेटाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। कंबशन ऑफ अल्केन इज एन, कौन सा रिएक्शन है ये? बराबर है, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर बताओ अभी। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है बच्चों? चलो बताओ जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी बताओ। आएगा। मयूरी का कहना सी है, संतोष का कहना ए है। चलो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा बच्चों। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। चलो बताओ इसका आंसर।
MHT CET अनएकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो बताओ क्या होगा, डेंसिटी निकालना है आपको। मेल्टिंग पॉइंट, चलो हो गया। सॉल्व तो नहीं होगा यूसुफ, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चलो सी करेक्ट है, नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट सर, मेल्टिंग पॉइंट, चलो हो गया 13। फॉर अ सॉल्यूशन व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसका मीनिंग क्या है वो बताना है बच्चों हमें। बी इज द करेक्ट आंसर, बराबर है। नेक्स्ट, अगला सवाल बच्चों। चलो करो आंसर जल्दी जल्दी। सॉन्ग स्टेट मूवी टेबल देखा, चेक कर दिया, बना दिया हेयर स्टाइल उसके बाद। चलो बताओ क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डी करेक्ट है बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल करो सॉन। चलो करो आंसर, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना होगा। हो गया, चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी। चलो करो आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। चलो करो जल्दी जल्दी, आएगा ना आंसर। लेविस एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इसको दिया चेक कर रहा हूँ। चलो हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल।
इसका आंसर करो। इसका आंसर बताओ क्या होगा? चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ अपना। चलो बताओ क्या होगा आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, चलो करो जल्दी जल्दी। गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, द मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस इज। चलो इसका आंसर बताओ। आएगा ना, गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, मैक्सिमम वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, अगला सवाल। चलो इसका आंसर करो अभी। हाँ आंसर तो मैंने ही बता दिया फिर भी बहुत से बच्चों का आया नहीं आंसर, है ना, फिर भी नहीं आया। चलो करो अभी। अ गैस प्लेस इन अ सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन विथ एक्सटर्नल 1 atm प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 liter टू 15 liter बाय एब्सॉर्बिंग 400 जूल हीट, डेल्टा यू विल बी। डेल्टा यू बताना है बच्चों। चलो बताओ क्या होगा आंसर। चलो करो जल्दी जल्दी, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करो, आंसर निकालो, क्या होगा बताओ। क्या होगा, क्या होगा आंसर? करो जल्दी जल्दी सॉल्व। गलती मत करना। गलती मत करना। चलो निकालो आंसर। आएगा ना, अ गैस प्लेस इन अ सिलेंडर फिटेड विथ पिस्टन विथ एक्सटर्नल 1 atm प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 10 liter टू 15 liter बाय एब्सॉर्बिंग 400 जूल हीट, डेल्टा यू विल बी। हो गया, संतोष का कहना बी है, संतोष सी, राहुल सी, संतोष डी, राहुल ए, सोनल डी,
कौस्तुभ का कहना ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर। मिक्सिंग ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस अकंपनीड बाय। मिक्सिंग ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस अकंपनीड बाय। चलो करो आंसर, बताओ क्या होगा। संतोष का कहना ए है, यूसुफ का कहना ए है। चलो करो जल्दी जल्दी। दर्शन का कहना बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन एंट्रोपी। नेक्स्ट अगला सवाल। द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन इज इट्स। The conductance of 1 centimeter cube of a solution is its. चलो करो जल्दी जल्दी आंसर, क्या होगा बताओ। The conductance of 1 centimeter cube of a solution is its. करो जल्दी जल्दी। ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। चलो करो सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 22। 2.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड वुड बी। चलो बढ़ाओ स्पीड, जल्दी जल्दी आंसर निकालो बच्चों। आएगा ना। और बहुत से बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया नहीं है, चलो जल्दी जल्दी लाइक करो। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिल सके। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
2.5 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड वुड बी। चलो करो आंसर। दर्शन का कहना सी है, साक्षी का कहना डी है, कौस्तुभ का कहना सी है, राजकुमार का कहना डी है, नीलेश। ये टेस्ट है, टेस्ट कैसे सॉल्व करके मिलेगा, ठीक है, जो प्रैक्टिस सवाल होते हैं वो मिलते हैं सॉल्व करके। चलो हो गया। टू पॉइंट फाइव फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड वुड बी। रानी, मेरे क्लास का स्केड्यूल यही होता है सुबह 10:30 को, ठीक है, सुबह 10:30 को इसी चैनल पे क्लास होता है, और सुबह 9:30 बजे दोपहर में 2:30 को और 3:30 को अनएकेडमी ऐप पे क्लास होता है। गोल सेलेक्ट करना है IIT JEE। चलो करो इसका आंसर, सी करेक्ट है बच्चों इसका। नेक्स्ट, अगला सवाल। टेस्ट में कुछ भी लिख नहीं करते यूसुफ, पता नहीं है क्या आपको? वो तो कॉपी हो गई ना फिर, अगर मैंने कुछ बता दिया आपको तो। नहीं आया है तो ढूंढ लेना क्लास के बाद, ठीक है, टेस्ट के बाद। चलो करो आंसर। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वॉज फाउंड टू बी एट 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.46 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी जीरो विल बी। क्या पता कब होगी, तो ठीक है शायद अभी 4 तारीख को तो नहीं होगी, आगे जा सकती है डेट, क्योंकि अभी तक आपके एडमिट कार्ड आए नहीं है। फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वॉज फाउंड टू बी और वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बच्चों में निकालना है। चलो करो आंसर। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए आंसर करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट, अगला सवाल। द रेट ऑफ रिएक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व गैसेस इज नॉट डिपेंड ऑन। चलो करो आंसर इसका। द रेट ऑफ रिएक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व गैसेस, ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें गैसेस नहीं है, उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड नहीं होता।
चलो करो आंसर। संतोष का कहना ए है, नीलेश का कहना बी है, रजत का कहना बी है, मस्के का कहना बी है। सोनल का कहना सी है, संतोष का कहना सी है, साक्षी का कहना बी है, राजकुमार का कहना बी है। 24 का ए आंसर करेक्ट है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो ये वाला करो अभी। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकंड इज। करो इसका आंसर। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकंड। रेट कॉन्स्टेंट मतलब के निकालना है बच्चों, और हाफ लाइफ मतलब टी हाफ हमें दिया है। करो आंसर इसका क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आएगा जल्दी जल्दी करो। चलो आ रहा है आ रहा है। मोनल का कहना बी है, मस्के का कहना बी है, संतोष का कहना बी है, सोनल का कहना बी है, साक्षी का कहना बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों तो इसका आंसर है बी आंसर करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कॉन्स्टेंट मतलब के का वैल्यू पूछा था। ठीक है बच्चों तो आज के क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, तो बचे हुए जो 25 क्वेश्चंस हैं बच्चों वो कल के क्लास में करेंगे। ठीक है कल भी इसी टाइम पे क्लास होगा 10:30 AM को। ठीक है तो बचे हुए 25 सवाल अगले मतलब कल के क्लास में, क्योंकि क्लास काफी लंबा हो जाएगा अभी, इसलिए हम क्या करेंगे आधे सवाल आज करेंगे आधे सवाल कल के क्लास में करेंगे। ओके चलो तो मिलते हैं बच्चों अभी कल के क्लास में 10:30 AM को। बाय बाय।